नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हमारी पुस्तक के आठवें पाठ के आधे भाग का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम शेष आधे भाग का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम अपना शेष अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वशिष्यस्य माने अपने शिष्य के, गुणगण महिमा माने गुण और गणों की महिमा से, परम प्रीते माने अत्यधिक प्रसन्न, गुरुकुशलदास्य माने गुरुकुशलदास ने स्वजीवित काले एव माने अपने जीवन के समय ही, आश्रमस्य माने आश्रम का, स्वामित्वम माने स्वामित्व, केशवानंदाय माने केशवानंद को तत्वान माने दे दिया, चय माने और तम माने उसको गुरुपीठ ही माने गुरुपीठ पर प्रतिस्थापितवान माने स्थापित कर दिया। अपने शिष्य के गुण और गुणों की महिमा से अत्यधिक प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन के समय ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और उसे गुरुपीठ पर स्थापित कर दिया। स्वशिष्यस्य माने अपने शिष्य के, गुणगण महिमा माने गुण और गणों की महिमा से, परम प्रीते माने अत्यधिक प्रसन्न गुरुकुशलदास माने गुरुकुशलदास ने स्वजीवित काले ए माने अपने जीवन के समय ही, आश्रमस्य माने आश्रम का, स्वामित्व माने स्वामित्व, केशवानंदाय माने केशवानंद को दत्तवान माने दे दिया, चय माने और तम माने उसे गुरुपीठे माने गुरुपीठ पर प्रतिस्थापितवान माने स्थापित कर दिया। अपने शिष्य के गुण और गणों की महिमा से अत्यधिक प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन के समय ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और उसे गुरुपीठ पर स्थापित कर दिया। सताम माने सज्जनों की, विभूतियाँ माने संपत्ति, परोपकाराय माने परोपकार के लिए होती है, इति माने ऐसा, धिया माने जानकर, समृद्ध मठस्य माने समृद्ध मठ की, विभूति नाम माने संपत्ति का, उपयोगम माने उपयोग, विधाय माने करके, उर्दू प्रधाने माने उर्दू प्रधान, फाजिलका अबोहर क्षेत्र माने फाजिलका अबोहर क्षेत्र में, राष्ट्रभाषाया माने राष्ट्रभाषा के, प्रचार कार्यम माने प्रचार कार्य को, आरब्धम माने प्रारंभ किया। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है ऐसा जानकर, समृद्ध मठ की संपत्ति का उपयोग करके, उर्दू प्रधान फाजिलका अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार कार्य को प्रारंभ कर दिया। आदौ तावत माने उसके बाद, आश्रम ए माने आश्रम में ही, वेदांत पुष्पवाटिका माने वेदांत पुष्पवाटिका, इत्याख्य माने इस नाम के, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से माने सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का, प्रारंभ माने आदौ तावत माने उसके बाद, आश्रम ए माने आश्रम में ही, वेदांत पुष्पवाटिका माने वेदांत पुष्पवाटिका, इत्याख्य माने इस नाम के, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से माने सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का, चय माने और वाचनालय से माने वाचनालय का, प्रारंभ माने प्रारंभ करते माने किया। उसके बाद आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इस नाम के सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात माने उसके बाद, तत्रे माने वहाँ, एका माने एक, संस्कृत पाठशाला भी माने संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता माने स्थापित की। उसके बाद वहाँ एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरी माने अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा माने नागरी प्रचारिणी सभा आरब्धा माने प्रारंभ की। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। जन सहयोगी माने जन सहयोग से साहित्य सदनम अबोहर माने साहित्य सदन अबोहर, इत्याख्या माने इस नाम की, संस्था भी माने संस्था भी आरब्धा माने प्रारंभ की, या माने जो, रविंद्रनाथ ठाकुर से माने रविन्द्रनाथ ठाकुर के, शांति निकेतनम माने शांति निकेतन के, उपम माने पास आसीद माने थी। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम की संस्था प्रारंभ की, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास थी। यत माध्यमेन माने जिसके माध्यम से, ग्राम्य क्षेत्रेषु माने ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 विद्यालय नाम माने 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालय से माने चल पुस्तकालय का, चय माने और
सत साहित्य प्रकाशनाय माने सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस माने दीपक प्रेस की स्थापना माने स्थापना जाता माने हुई, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालय का और सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम की संस्था प्रारंभ की, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय और सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने ए माने साहित्य सदन में ही स्वामीना माने स्वामी जी ने 30तम माने 30 से अधिक अखिल भारतीय माने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य माने हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि माने सम्मेलनों का भी आयोजित माने आयोजित आयोजन किया। साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30 से अधिक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों का भी आयोजन किया। हिंदी सेवार्थम माने हिंदी सेवा के लिए स्वामी ने माने स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति माने साहित्य वाचस्पति चे माने और राष्ट्रभाषा गौरवम माने राष्ट्रभाषा गौरव इति माने ये द्वयम माने दो उपाधि माने उपाधि प्रयतत्तम माने दी गई। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम ये दो उपाधियाँ दी गईं। केशवानंदस्य माने केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम माने हिंदी प्रचार कार्यों का एकम माने एक सुफलम माने अच्छा फल एतत माने यह आसित माने था यत माने कि देश विभाजन काले माने देश विभाजन के समय पंजाबस्य माने पंजाब का फाजिलका क्षेत्रम माने फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तानी माने पाकिस्तान में गमनात माने जाने से पारितम माने रुक गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रुक गया। केशवानंद से माने केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम माने हिंदी प्रचार कार्यों का एकम माने एक सुफलम माने अच्छा फल एतत माने यह आसित माने था यत माने कि देश विभाजन काले माने देश विभाजन के समय पंजाबस्य माने पंजाब का फाजिलका क्षेत्रम माने फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तानी माने पाकिस्तान में गमनात माने जाने से पारितम माने रुक गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रुक गया। स्वतंत्रता आंदोलन ये माने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी माने भी सक्रिय माने सक्रिय स्वामी केशवानंद माने स्वामी केशवानंद ने एक बार माने कई बार बरसाणी माने बरसों तक कारागारेषु अपि माने कारागारों में भी निवत्ते माने बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय केशवानंद कई बार बरसों तक कारागारों में भी बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय माने शिक्षा प्रसार के लिए कृत भूमि श्रमीण माने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामीना माने स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया माने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की संस्थापनम माने स्थापना कृतम माने की। ग्रामीण क्षेत्रों शिक्षा प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की। शिक्षा प्रसाराय माने शिक्षा प्रसार के लिए कृत भूमि श्रमीण माने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामीना माने स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया माने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की संस्थापनम माने स्थापना कृतम माने की। ग्राम्य क्षेत्रेषु माने ग्रामीण क्षेत्रों में तीन माने उन्होंने उपत्रिंशत माने 300 से अधिक शिक्षा शालाओं उपपंचाशत माने 50 से अधिक छात्रावासा माने छात्रावासों की स्थापिता माने स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 300 से अधिक शिक्षा शालाओं और 50 से अधिक छात्रावासों की स्थापना की। शिक्षा क्षेत्र माने शिक्षा क्षेत्र में स्वामी ने माने स्वामी जी का श्रम माने परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय से माने पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थम माने पुरुषार्थ को स्मारयति माने याद दिलाता है। शिक्षा क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद दिलाता है। योग्यम एव माने योग्य स्वामी वर्य माने स्वामी जी शिक्षा संत माने शिक्षा संत इति माने इस गुरुदेन माने उपाधि से भूषित माने सुशोभित हुए। योग्य स्वामी जी शिक्षा संत इस उपाधि से सुशोभित हुए। समाज सुधारक माने समाज सुधारक केशवानंद माने केशवानंद मरु प्रदेश माने मरुस्थल प्रदेश में
व्याप्ता नाम माने व्याप्त, मृत्यु भोजनम माने मृत्यु भोजन, बाल विवाह माने बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम माने नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा माने दहेज प्रथा, अवगोठन प्रथा माने पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता माने अछूत, मद्य सेवनम माने मदरा सेवन इत्यादि नाम माने इत्यादि, कुप्रथा नाम माने कुप्रथाओं के, निवारणाय माने निवारण के लिए, सदैव माने हमेशा, सचेष्ट माने जागरूक, आसित माने थे। समाज सुधारक केशवानंद, मरुस्थल प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोजन, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अछूत, मदरा सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा जागरूक थे। स्वामी ने माने स्वामी जी का, जीवनम माने जीवन, सर्वपंच सद्भाव से माने सर्वपंच सद्भाव का निर्दर्शनम माने उदाहरण अस्ति माने है। स्वामी जी का जीवन सर्वपंच सद्भाव का उदाहरण है। अयम माने यह है, जाट जातो माने जाट जाति में, जाते माने उत्पन्न हुए, परम माने परंतु, सिख गुरु माने सिख गुरु, नानक देवस्य माने नानक देव के, पुत्रिण माने पुत्र, श्री चंदेन माने श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित माने चलाए गए, उदासी संप्रदाय माने उदासी संप्रदाय में दीक्षित माने दीक्षित हुए। यह है, जाट जाति में उत्पन्न हुए परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा चलाए गए, उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य माने गुरु ग्रंथ के, उत्तम माने उत्तम, पाठी माने पाठी, अभूत माने हुए, गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी हुए। एकादश वार्षिक माने 11 वर्ष की साधना माने साधना से, 700 पृष्ठात्मकस्य माने 700 पृष्ठात्मक, सिख इतिहासस्य माने सिख इतिहास का, लेखनम माने लेखन, कार्यत्वान माने किया। 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मक सिख इतिहास का लेखन किया। विभाजन काली ने माने विभाजन के समय, हिंसाचारे माने हिंसा के व्यवहार में, छताना माने पीड़ित, मुस्लिम बंधुना माने मुस्लिम बंधुओं की, चिकित्सा माने चिकित्सा कार्यता माने की। विभाजन के समय हिंसा के व्यवहार में पीड़ित मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा की। सिख विष्णुई दस नामधारी दस नामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्याणाम माने जैन आदि आचार्यों के, सम्मान्य माने सम्मान में, कार्यक्रमा माने कार्यक्रम, आयोजिता माने आयोजित किए। सिख विष्णुई नामधारी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय संगरिया माने जाट विद्यालय संगरिया, अस्य माने इसका, नाम माने नाम, परिवर्तीय माने बदलकर, ग्रामोत्थान विद्यापीठ माने ग्रामोत्थान विद्यापीठ एकरूप माने कर दिया। जाट विद्यालय संगरिया का नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया। स्वामी केशवानंद से माने स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान माने संकल्पों को दृष्टुम माने देखने के लिए, सर छोटूराम, के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, ने एके माने और कई अन्य माने अन्य, भारतीय माने भारतीय, वैदेशिका माने विदेशी, विद्वान से माने विद्वान, शिक्षाविद माने शिक्षाविद, राजनीतिविद माने राजनीतिज्ञ, चे माने और, धर्माचार्य माने धर्माचार्य, यथा अवसरम माने अवसर अनुसार, संगरिया विद्यापीठ माने संगरिया विद्यापीठ में समायाता माने आए। स्वामी केशवानंद के संकल्पों को देखने के लिए सर छोटूराम, के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राव, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल और कई अन्य भारतीय, वैदेशिक, विद्वान, विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और धर्माचार्य अवसर अनुसार संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षाया माने शिक्षा में, महिला कल्याण माने महिला कल्याण में, दलित उत्थान माने दलित उत्थान में, संलग्न माने संलग्न, स्वामी जी माने स्वामी जी, द्विवारम माने दो बार,
संसद माने संसद के सदस्य माने सदस्य एवर्तत माने रहे। शिक्षा में, महिला कल्याण में और दलित उत्थान में संलग्न स्वामी जी दो बार संसद के सदस्य भी रहे। सत्यम माने सत्य, विलक्षणम माने विलक्षण, अयम माने यह, आसित माने था, यत माने की, स्वामी ने, सन्यासी माने सन्यासी ने, आत्मकल्याण से माने आत्मकल्याण का, बा माने अथवा, मुक्ते माने मुक्ति का, यह माने जो, मार्गम माने मार्ग, अनादृत्य माने बताया। सत्य विलक्षण यह था कि सन्यासी जी ने आत्मकल्याण का अथवा मुक्ति का जो मार्ग बताया। सत्यम माने सत्य, विलक्षण माने विलक्षण, अयम माने यह, आसित माने था। सत्य विलक्षण यह था कि सन्यासी माने सन्यासी जी ने आत्मकल्याण से माने आत्मकल्याण का, बा माने अथवा मुक्ते माने मुक्ति का, यह माने जो, मार्ग माने मार्ग, मार्गम माने मार्ग, अनादृत्य माने बताया है। अहम माने मैं, राज्यम माने राज्य की, न माने नहीं, काम्य माने कामना करता हूँ, मैं राज्य की कामना नहीं करता हूँ, न माने ना ही, स्वर्गम माने स्वर्ग की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ग की कामना करता हूँ, न माने ना ही, पुनः भवम माने फिर से जन्म लेने की कामना करता हूँ, ना मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ और ना ही फिर से जन्म लेने की कामना करता हूँ। दुख माने दुखों से, तपता नाम माने पीड़ित, प्राणी नाम माने प्राणियों की, अर्ती माने पीड़ा की, नाशनम माने नाश की, काम्य माने कामना करता हूँ, मैं केवल दुखों से पीड़ित लोगों की, पीड़ाओं की, नाश की कामना करता हूँ, ना मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना स्वर्ग की कामना करता हूँ और ना ही फिर से जन्म लेने की कामना करता हूँ, मैं केवल दुखों से पीड़ित प्राणियों की, पीड़ा के नाश की कामना करता हूँ। अहम माने मैं, राज्यम माने राज्य की, न माने नहीं, काम्य माने कामना करता हूँ, मैं राज्य की कामना नहीं करता हूँ, न माने ना ही, स्वर्गम माने स्वर्ग की कामना करता हूँ और ना ही स्वर्ग की कामना करता हूँ, न पुनः भवम माने और ना ही फिर से जन्म लेने की कामना करता हूँ, काम्य माने कामना करता हूँ, दुख माने दुखों से, तपता नाम माने पीड़ित, प्राणी नाम माने प्राणियों की, अर्ती माने पीड़ा के, नाशनम माने नाश की, मैं तो केवल दुखों से पीड़ित लोगों की, पीड़ा के नाश की कामना करता हूँ। इति माने इस, पंथानम माने रास्ते का, अनुसरण माने अनुसरण करते हुए, जीवनस्य माने जीवन के, एकोन नवति तमे माने नवासीवें, वर्ष में वर्षे माने वर्ष में, इह माने इन, कर्माणी माने कर्मों को, कुर्वन माने करते हुए, देहल्याम माने दिल्ली के, राजमार्गे माने राजमार्ग पर, चरण माने चलते हुए, अनंत यात्राए माने अनंत यात्रा को, प्रस्थित माने चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस रास्ते का अनुसरण करते हुए, जीवन के 89वें वर्ष में, इन्हीं कर्मों को करते हुए, दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए, वे अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। इति माने इस, पंथानम माने रास्ते का, अनुसरण माने अनुसरण करते हुए, इस रास्ते का अनुसरण करते हुए, जीवनस्य माने जीवन के, एकोननवति तमे माने 89वें वर्षे माने वर्ष में, इह माने इन, कर्माणि माने कर्मों को, कुर्वन माने करते हुए, देहल्याम माने दिल्ली के, राजमार्गे माने राजमार्ग पर, चरण माने चलते हुए, अनंत यात्रा यही माने अनंत यात्रा को, प्रस्थित माने चले गई। इस रास्ते का अनुसरण करते हुए, जीवन के 89वें वर्ष में, इन्हीं कर्मों को करते हुए, दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए, स्वामी जी अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। सत्यम एव उक्तम माने सत्य कहा गया है, संतय माने संत, कियन्ते माने कितने, संति माने हैं, सत्य कहा गया है संत कितने हैं। सत्यमेव माने सत्य ही, उक्तम माने कहा गया है, संतय माने संत, कियन्ते माने कितने, संति माने हैं, संत कितने हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आज 8वां पाठ समाप्त। आप सभी घर पर इस पाठ का स्वाध्याय करें, यदि कुछ ना समझ में आए तो वो आप उनसे पूछें, और आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।